हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकालीन इतिहास, और पूर्व मध्यकालीन इतिहास में भी हम जो दक्षिण भारत के हमारे राजवंश हुआ करते थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे चालुक्य, चोल, होयसाल और राष्ट्रकूट। इनके हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में आ सकते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज करिएगा और फिर अपना आंसर मार्क कीजिएगा, जितने आपके मार्क्स बने एंड में उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, उसको फुल एक्सप्लेन करूँगी मैं उनके ऑप्शंस को, और जितना हो सकेगा उन ऑप्शंस के बारे में बताऊँगी। बाद में हम डिटेल से भी हर राजवंश को पढ़ेंगे, हर टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ए होल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शंस हैं पुलकेशन प्रथम, पुलकेशन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य सेकंड। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मध्यकाल कब से कब तक था। मध्यकाल ये था 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। हम पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत। अभी इसमें दिया गया है एहोल प्रशस्ति। एहोल प्रशस्ति क्या था? ये एक अभिलेख था और हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि एहोल प्रशस्ति के जो रचयिता है वो कौन है? रवि कीर्ति। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि एहोल प्रशस्ति के रचयिता कौन है, वो है रवि कीर्ति। और ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये किसके दरबारी कवि थे, तो ये थे पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुलकेशन द्वितीय। इसी एहोल अभिलेख में ही पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध का वर्णन है। और इस युद्ध में पुलकेशन द्वितीय की जीत हुई थी और हर्षवर्धन की हार हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको दो सूची दी गई हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक में हमें दिए गए हैं राजवंश या राजा, और दूसरे में हमें दी गई है राजधानी। तो हमें इनको राजवंशों को या राज्य को राजधानी के साथ सुमेलित करना है। सबसे पहले आपको दिया गया है प्राचीनतम चालुक्य, इन्हें मूल चालुक्य भी बोलते हैं, और इनकी राजधानी हुआ करती थी वातापी। क्या हुआ करती थी? वातापी। वातापी को ही हम बोलते हैं बादामी। और ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है कर्नाटक में। कर्नाटक में भी कहाँ? बीजापुर के समीप पड़ती है ये। कहाँ पड़ती है? बीजापुर के पास। नेक्स्ट है पूर्वी चालुक्य। पूर्वी चालुक्य की कैपिटल कहाँ है? वेंगी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? वेंगी, आंध्र प्रदेश में। और नेक्स्ट है पश्चिमी चालुक्य, इनकी राजधानी कहाँ पड़ती है? ये कल्याणी, कर्नाटक में। कल्याणी भी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। आगे चल के इन सारे राजवंशों को इनके राजधानी से ही जाना गया, जैसे प्राचीनतम चालुक्य को जाना गया वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। ये इनको 3 भागों में विभाजित किया गया था। अभी देखिए, जो ये कल्याणी के चालुक्य हैं, इनकी पहले कैपिटल कल्याणी नहीं होती थी, इनकी कैपिटल पहले होती थी मान्यखेट। क्या होती थी? मान्यखेट। क्योंकि चालुक्य के जो कल्याणी के जो चालुक्य थे
वो बस उनको बसाया था, या इनके संस्थापक हम कह सकते हैं, वो थे तैलब द्वितीय। उन्होंने जब इसकी स्थापना की तो उन्होंने अपनी राजधानी बनाया मान्यखेट को। बाद में आगे चल के सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी क्या कर दी, कल्याणी कर दी। क्या कर दी, कल्याणी। और ये किसने की मान्यखेट से कल्याणी, सोमेश्वर प्रथम ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें कुछ राज्य दिए गए हैं, या कह सकते हैं कुछ राजवंश दिए गए हैं, हमें उनके संस्थापक बताने हैं। फर्स्ट हैं वातापी के चालुक्य। तो वातापी के जो चालुक्य थे उनके संस्थापक कौन थे, पुलकेशिन प्रथम। वेंगी के जो चालुक्य थे, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही आपको पढ़ाया है ना कि जो चालुक्य थे उनको उनकी राजधानी से जाना जाता था, जैसे वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, ये कल्याणी, ये सब इनकी क्या हैं, राजधानियां हैं। वातापी के चालुक्य को ही हम सबसे प्राचीनतम चालुक्य बोलते हैं, वेंगी के चालुक्य पूर्वी और कल्याणी के पश्चिम। अब हम बात करते हैं वेंगी के चालुक्य, तो इनके संस्थापक थे कुब्ज विष्णुवर्धन। कौन थे, कुब्ज विष्णुवर्धन। नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य। तो कल्याणी के जो चालुक्य थे उनके संस्थापक हैं तैलप द्वितीय। मैंने बताया भी था आपको लास्ट क्वेश्चन में कि कल्याणी के चालुक्य की जो स्थापना है वो तैलप द्वितीय ने की थी, और इसी ने कल्याणी से पहले इसकी राजधानी मान्यखेट बनाई थी। नेक्स्ट है कांची के पल्लव। तो कांची के पल्लव के जो संस्थापक हैं वो हैं सिंह विष्णु। कौन है, सिंह विष्णु। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है बादामी ने दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है। ये तो क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे क्योंकि मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया है कि बादामी का संस्थापक कौन था, या वातापी के संस्थापक कौन थे, पुलकेशिन प्रथम थे, तो उन्होंने ही तो वातापी को चालुक्यों की कैपिटल बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और दक्षिण बढ़ने से रोका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, पुलकेशिन द्वितीय। क्या हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का था, तो पुलकेशिन द्वितीय था वातापी के चालुक्य। कहाँ से था, वातापी के चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय वर्सेस हर्षवर्धन, इनके बीच में जो युद्ध हुआ उसका वर्णन एहोल अभिलेख में है, जो किसने लिखा बनाया था, रवि कीर्ति ने बनाया था। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, और जो एहोल है एहोल को, ये एहोल अभिलेख क्यों बोला जाता है, क्योंकि एहोल शहर में पाया जाता है, और इस एहोल को मंदिरों का शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंदिरों का शहर। जो पुलकेशिन द्वितीय थे उन्होंने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की,
एक तो उपाधि धारण की इसको हर्षवर्धन को हराने के बाद परमेश्वर की, और दूसरी उपाधि धारण की दक्षिणा पथेश्वर। कौन कौन सी उपाधि धारण की? एक तो की परमेश्वर और दूसरी दक्षिणा पथेश्वर। अब दोनों चीजें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पुलकेशन द्वितीय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय। क्या हो जाएगा? पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय। और दूसरे कौन थे? ये तो हो गया वातापी के चालुक्य। किसने की थी इसकी स्थापना? वातापी के चालुक्य की, ये की थी पुलकेशन प्रथम ने। किसने की थी? पुलकेशन प्रथम। और इसने किसके साथ संघर्ष शुरू किया? पल्लवों के साथ। पल्लवों के साथ। पल्लवों के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। कौन है? सिंह विष्णु। और इनकी कैपिटल क्या है? कांची। कांची कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में, कांचीपुरम। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा, वातापी कोंडा मतलब वातापी का विजेता, की उपाधि धारण की? इससे पहले 6th क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जो चालुक्य हैं, जो चालुक्य थे और जो पल्लव थे, इनके बीच में संघर्ष शुरू किया किसने? पुलकेशन द्वितीय ने। अभी हमसे इस क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि जो ये पुलकेशन द्वितीय थे, इनकी हत्या कर दी, वो हत्या किसने की? यही हमें बताना है। और पुलकेशन द्वितीय की हत्या के बाद उसने वातापी कोंडा, किसकी? वातापी कोंडा। वातापी कोंडा का अर्थ क्या है? वातापी के का विजेता। तो वो कौन था? वो पल्लव कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन था? तो 7th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। इस नरसिंह वर्मन प्रथम को ही मामल बोलते थे। क्या बोलते थे? मामल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल और पांडे को हराया जिस कारण से उसे तीनों समुद्रों, तीनों समुद्र कौन कौन से? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी कहा गया। देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है चेर, चोल और पांडे, इन तीनों को किसने हराया था? इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य प्रथम। कौन हो जाएगा? विक्रमादित्य प्रथम। इसने इन तीनों को हरा दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था, कौन था वो? इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? श्रीलंका के जो राजा थे महिम पंचम, उन पे आक्रमण कर दिया, और महिम पंचम श्रीलंका छोड़ के भाग गए और दक्षिण जिले रोहण में उन्होंने शरण ले ली। इन्होंने किस पे आक्रमण किया? श्रीलंका के राजा थे, उनका नाम था महिम पंचम, ये श्रीलंका छोड़ के भाग गए और राजेंद्र प्रथम ने अपने पुत्र को यहाँ का
श्रीलंका का राजा घोषित कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों में भी किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम। जो एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, गुफा मंदिर है, उनका निर्माण भी किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने ही कराया था। किनका? एलोरा और एलिफेंटा गुफा मंदिरों का। ये क्या है, राष्ट्रकूटों ने किसका निर्माण भी कराया था? कैलाश मंदिर का। किसका? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूटों में कृष्ण प्रथम ने। जो एलोरा की, एलोरा और एलिफेंटा के जो गुफा मंदिर हैं, इनमें टोटल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। कितनी है? 34 गुफाएं हैं। इन 34 गुफाओं में भी 1 से लेकर 12 तक तो बौद्ध की हैं। किस, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 12 किसकी हैं? बौद्ध गुफाएं हैं। उसके बाद 13 से 29, किससे? 13 से 29 हिंदू गुफाएं हैं। और 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। कहाँ से कहाँ तक? 30 से 34 जैन गुफाएं हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि 30 से 34 तक, यहाँ थोड़ा आपको दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर लिख देती हूँ, जैन गुफाएं कहाँ से कहाँ तक हैं? 30 से 34 तक। समझ आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने तंजोर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये किसने करवाया था? राजा राज प्रथम ने। ये शैव धर्म का अनुयायी था। किसने कराया था? राजा राज प्रथम ने। राजा राज प्रथम और ये शैव धर्म का अनुयायी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सभी को पता है कि चालुक्य वंश का जो वातापी या बादामी के जो चालुक्य थे, उनका सबसे जो प्रसिद्ध शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय। हमने पीछे भी पढ़ा है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराया था, इसी ने ही एहोल अभिलेख बनवाया, और एहोल अभिलेख में ही किसने बनाया था एहोल अभिलेख? बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख बनवाया था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ है। हर्षवर्धन को हराने के बाद युद्ध में इसने परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की पुलकेशिन द्वितीय ने। अजंता के अंदर जो गुफा में चित्र बने हुए हैं, वहाँ भी इनको फारसी दूतावास का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। किसका? फारसी दूतावास का। फिर इन्होंने पल्लवों के साथ भी युद्ध शुरू किया। किसके साथ? पल्लवों के साथ। और पल्लवों में नरसिंह वर्मन ने इनको हरा दिया और मार डाला। नरसिंह वर्मन ने इनको, पुलकेशिन द्वितीय को मारने के बाद वातापी कोड की उपाधि धारण की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर
चोल राजाओं की राजधानी था? तो क्या है इसका आंसर? तंजोर। कौन सा? तंजोर। बाकी ऑप्शंस में जैसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। कहाँ थी? मदुरई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दंतीदुर। कौन था? दंती दुर्ग। और राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो थी मान्यखेत। क्या थी? ये तो था राष्ट्रकूटों का संस्थापक और इसकी राजधानी थी मान्यखेत। खेत राजधानी। राष्ट्रकूटों ने ही क्या करवाया था? एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, एलोरा की गुफाएं बनवाई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? ये क्वेश्चन तो हमने पीछे भी पढ़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चोल। किसने? चोल। चोल में भी किसने? राजेंद्र प्रथम ने। क्या है इसका आंसर? चोल राजवंश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था चालुक्यों ने। किसने किया था? चालुक्यों ने। विक्रमादित्य द्वितीय की पहली पत्नी लोक महादेवी ने विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी थी लोक महादेवी। कौन? लोक महादेवी। उन्होंने ही इस विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? विरूपाक्ष मंदिर का। और ये विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? ये है पदक्कल में। कहाँ है? पदक्कल में। ये इनकी पहली पत्नी थी। इनकी दूसरी पत्नी ने भी एक मंदिर का निर्माण कराया था जिसका नाम है त्रिलोकेश्वर। किसने? त्रिलोक्य देवी ने। विक्रमादित्य की दूसरी पत्नी थी त्रिलोक्य देवी और उन्होंने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? त्रिलोकेश्वर मंदिर। त्रिलोकेश्वर मंदिर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है, जो पल्लवों के एकाश्म मंदिर है वो कहाँ पे मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। कहाँ मिलते हैं? महाबलीपुरम में। पल्लवों ने ये एकाश्म मंदिर बनवाए थे। मंदिर किसने करवाया था और ये काश्म मंदिर का निर्माण? ये थे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। रथ में जो मंदिर है वो 7 है। कितने मंदिर है काश्म मंदिर में? टोटल 7 मंदिर है। इसी एकाश मंदिर को ही हम रथ मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रथ मंदिर। और इसमें टोटल कितने मंदिर हैं? 7।
जो सबसे छोटा रथ है रथ मंदिर, तो जो सबसे छोटा मंदिर है वो है द्रौपदी रथ, और इस पे कोई भी अलंकरण नहीं मिलता है। कौन सा है सबसे छोटा मंदिर? छोटा मंदिर है द्रौपदी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है होयसाल की राजधानी का क्या नाम है, होयसाल की राजधानी का क्या नाम है? तो होयसाल की राजधानी का नाम है द्वार समुद्रम। क्या है? द्वार समुद्र, द्वार समुद्र। किसकी राजधानी है ये? होयसाल की। अभी द्वार समुद्र को हलेबिड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हलेबिड। होयसाल का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। कौन था? विष्णुवर्धन। जो ये होयसाल वंश है वो यादव वंश की ही एक शाखा है। किसकी शाखा है? यादव वंश की। हाँ, वेलूर में एक चन्ना केशव मंदिर है, उसका निर्माण भी विष्णुवर्धन ने कराया था। कौन सा? चन्ना केशव मंदिर, चन्ना केशव मंदिर। ये इस क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? अभी हमने पढ़ा था इससे पहले ही 18 क्वेश्चन में, महाबलीपुरम में एक रथ मंदिर है जो किसने बनवाया था? पल्लवों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो जो महाबलीपुरम शहर है उसमें जो कला शैली है उसमें किसकी रुचि है? पल्लवों की, पल्लवों की। इन्होंने एक अश्व मंदिर यानी कि रथ मंदिर भी बनवाया, और एक बहुत इम्पोर्टेंट कांची के जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण भी पल्लवों ने ही करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर बोलते हैं। किसने? किसका? कांची कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर। इस कैलाशनाथ मंदिर को ही हम सिद्धेश्वर मंदिर के, राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। किसे? राज सिद्धेश्वर। जब इस मंदिर का निर्माण हुआ, इस मंदिर के निर्माण के बाद से ही उसे हम द्रविड़, ये माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के बाद ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? द्रविड़ स्थापत्य काल की। अच्छा, ये कांची का जो कैलाश मंदिर था ये बनवाया किसने था? ये बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय। यहीं पे एक और, जो ये कैलाशनाथ मंदिर है ना, इसमें पल्लव राजा और रानियों की, आदमियों जितनी बड़ी बड़ी मतलब आदम कद की मूर्तियां पाई जाती हैं। और एक कांची में ही एक मुक्तेश्वर मंदिर या बैकुंठ पेरुमाल मंदिर भी है। कौन सा? बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल। तभी इसको क्या कहते हैं? स्थापत्य, द्रविड़ स्थापत्य काल पल्लवों से ही शुरू हुआ है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इन क्वेश्चंस के बारे में कोई और भी इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।